ने एक सवाल किया था, फिर उसको दूसरे मैं लफ्ज से पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट इतनी आसानी से क्यों हर्ट हो जाते हैं? मस्जिद के बाहर से अगर कोई आदमी डीजे बजा के निकल रहा है तो क्यों है, क्यों उस पर इतना बड़ा एतराज क्यों होना चाहिए भाई? अरे डीजे बजाइए, कौन रोक रहा है डीजे बजाने को? आपसे खूब बजाइए डीजे, नाचिए, आपका धार्मिक अधिकार है, नाचिए, डिस्को करिए, ब्रेक डांस करिए, मगर ब्रेक डांस और डिस्को में ये क्या गाना है कि टोपी वाले को ऐसा करना पड़ेगा, ये नारा लगाना पड़ेगा? गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पत्थर चल जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आप आस्था की बात करते हैं, कौन सी आस्था है कि मैं गोश्त नहीं खाऊं? मैं नहीं मानता इसी आस्था आपकी को। आस्था होगी मत खाइए, मैं नहीं मानता आस्था होगी मत खाइए। आपकी आस्था मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मैं नहीं थोपता सर, मैं आपके आपके साथ हूं इस पर। संविधान से चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, मैं आपके साथ हूं इस पर। आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, अरे तो जेएनयू में भी दो पक्ष हैं। मैं जेएनयू की नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। वो आप तो गोश्त का एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं, बंद क्यों नहीं करते आप? राम नवरात्रि के दौरान बोल दिए कि पूरे देश में गोश्त का एक्सपोर्ट नहीं होगा इतने दिन, आप नहीं करते क्योंकि डॉलर का नुकसान होगा आपको। वैसे साहब दिल्ली में नवरात्रि में दिल्ली में एमसीडी ने कहा नवरात्रि में गोश्त की दुकान बंद रहेगी। मैंने कहा गलत किया सरासर, इनको हक नहीं है करने का, गलत किया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, हर जगह पे हो रहा, दोनों जगहों पर गलत बोलिए ना। मॉब लिंचिंग, आप तो मुझे एक तरबूज बेचते नहीं देते मुझे, बताइए कौन से आप बात कर रहे हैं? सर इन सब चीजों के लिए अदालतें हैं ना कि नहीं है? तो फिर आप क्यों करते, कानून के हाथ में लेते, आप तरबूज की बंडी को क्यों तोड़ देते? आप जिसने तोड़ा उसको जेल भेजे, क्यों आप बॉयकॉट करते हैं, अनटचेबिलिटी अलाउ करते हैं, आर्टिकल उसका वायलेशन हो रहा है संविधान का कि मुसलमानों से मत खरीदो, गलत कर रहा है जो कर देश में ये नफरत कौन फैला रहा है सौरभ साहब? सर जब दूसरे मैं इसमें कुछ रोल उनका भी है, जैसे मैं आपको